आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम जाएंगे, हम लोगों ने फ्रंट वाले व्हील कैप्स में भी कहीं कर दिया ये डिजाइन अपनी थॉर की R15M की मॉडिफिकेशन कराने। अपना टायर निकल गया है भाई, काफी टाइम से मैसेज वगैरह DMs वगैरह आ रहे थे कि आप इसकी मॉडिफिकेशन करा। हमने भाई अपना व्हील कवर लगवा दिए हैं, मिरर्स चेंज करेंगे और टेल टायर लगवानी हमने पीछे। कमेंट बॉक्स में बताना हम लोग पहले क्या करवा सकते हैं भाई। तो है भाई, तो अच्छा पिछो भाई वी बॉय से हम आगे को नई वीडियो लेके। तो भाइयों, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम जाएंगे अब थॉर की R15M की मॉडिफिकेशन कराने, और अब भाई इसके पार्ट्स वगैरह आ गए हैं जो कि मैंने बताया था आपको। इसके जो भी सामान आया है भाई, एक वाइजर आया है एंड इसके व्हील कैप आए हैं जो अभी अवेलेबल हुआ है भाई। अभी दो तीन चीजें इसकी अवेलेबल हुई है और जो मैंने मंगवाई थी भाई उनमें से यही चीजें आई हैं अभी, तो ये हम लगवाने जा रहे हैं आज। और मैंने बताया था आपको मॉडिफिकेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली है भाई अपनी R15M की, तो भाई आज से अपनी मॉडिफिकेशन सीरीज स्टार्ट हो रही है। और गाइस, मैं जा रहा हूं सीधा शॉप पे जहां से हमने काम करवाया था। वो हमारे साथ जो संजय राइट पे भाई भाई आए थे उनकी शॉप है, वहां से हम काम करवाने जा रहे हैं। तो चलो भाई सीधा मैं आपको शॉप पे मिलता हूँ, कॉज शाम होने वाली है, शाम को हम लोग काम कराना है। मॉर्निंग में हमने इसलिए नहीं करवाया कॉज भाई मतलब बहुत धूप हो रही थी और काफी टाइम से मैसेज वगैरह DMs वगैरह आ रहे थे कि आप इसकी मॉडिफिकेशन कराओ, उसमें मतलब चीजें डलवाओ। तो धीरे धीरे करके अब हम भाई स्टार्ट कर रहे हैं और सीधा आपको शॉप पे मिलता हूँ भाई मैं। सो भाई, हम लोग शॉप पे पहुंच चुके हैं और हम लोग का जो भाई सामान था, एंड ये चेक कर सकते हो भाई व्हील कवर, ये पीछे के व्हील कवर है जो कि अभी ये पैक हो रखे हैं, इसमें पन्नी चढ़ी हुई है। ये पीछे के व्हील कवर है, ये आपके सामने के हैं जो सामने टायर में लगेंगे हमारे। और बाकी ये रहा भाई हमारा वाइजर जो कि अवेलेबल नहीं हो रहा था। ये प्रॉपर इसका ही है ना? ये 3 का है 4 का है, क्योंकि ये तो 4 है ना। बाकी जो बबल ये हम लोगों को चाहिए था, इसके लिए हमने तभी वेट किया है, ये अवेलेबल ही नहीं था। ये 3 का है ना? ये ज्यादा तगड़ा लग रहा है ये वाला, पर ये वो है मेरे हिसाब से जो हम लगा के भी देख रहे थे। ये वो ही है, पर फोर का यही है। इसमें इतना तगड़ा वो नहीं है, मतलब बबल ना है ना, उसका वाइजर फैला हुआ है ना, थोड़ा 3 वाली का थोड़ा कम नहीं। तो कोई ये लगा के देखते कैसा लगता है ये। कि गाइस, ये सामान है और वो बाइक है और इसका काम स्टार्ट करवाते हैं भाई और फिर दिखाता हूँ आपको। करे भाई स्टार्ट। बहुत कंफ्यूज है, ये कौन से मशीन है? हैं केम, बैठ दे दे यार। तो गाइस, हमने कुछ सोचा था भाई इसका, बट नंबर प्लेट बीच में आ रही है उसके लिए। एंड ये जो भाई वाइजर है इसका, ये थोड़ा उठा हुआ है, थोड़ा और नीचे जाएगा ये मेरे हिसाब से ना, ये इतना जाएगा, इससे भी हल्का नीचे आएगा, थोड़ा और नीचे आएगा बस। ये ज्यादा उठा हुआ तो नहीं है, पर फिर भी लुक तो आएगा ही। और जो हम सोच रहे थे इसमें करवाने का, वैसे गैप तो मिल जगह हमारे लिए, हमारे पास बहुत है, कोई नहीं, ब्लैक करना ही है। बाकी ये लगवाते हैं और इसके बाद भाई लगवाने के बाद लिख कर सकते हैं वो तो हम बाद में भी, है ना। और व्हील कैप का वो स्टिकर देख रहे हैं भाई हम, व्हील कैप के स्टिकर अगर हमें समझ आए, कॉज लगने से पहले बन सकते हैं वो, क्योंकि वो फिर लग जाएंगे, उसके बाद उतरेंगे नहीं भाई, फिर टायर निकालो फिर लगाओ, फिर वो लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए हम लोग स्टिकर देख रहे हैं भाई व्हील कैप के लिए और फिर बताता हूँ भाई मैं। तो गाइस, ब्लू लगा के देखा हमने, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये है वो ब्लू, बाकी सिल्वर ज़्यादा ठीक लग रहा है। हम लोग फॉन्ट देख रहे हैं भाई अभी, और जो हम पीछे वाला जो ये व्हील कैप है, व्हील कवर है आपका, इसमें लिखने वाले हैं और थोड़ा चेंजेस करने वाले हैं इसमें, मतलब सिल्वर से वाइट से आपका मतलब थोड़ा आधा नाम आएगा और रेड से या फिर दूसरे कलर से, लेट्स सी किससे अच्छा लगेगा भाई। तो ये जो पीछे का भाई व्हील कवर है, इसमें हम लोग मिड में लेने वाले हैं ये नाम, और आगे का हमने कुछ और सोचा है तो वो भी दिखाता हूँ आपको भाई। हाँ अच्छा लगेगा, हाईलाइट ठीक रहता है। हाँ हाईलाइट अच्छा लग रहा है, बीच में रेड साइड साइड में ब्लैक। तो भाइयों, अपना जो हमने मतलब नाम करवाया है वो हमने रेड से करवाया है, मतलब सागर हमने रेड से करवाया है, और जो द वर्मा है वो हमने भाई आपका करवाया है सिल्वर से, वाइट सिल्वर से, कॉज जो ये रेड है वो बहुत कैची है, मतलब दिखेगा भी लोगों को और अच्छा भी लगेगा भाई, तो यही है इसलिए करवाया रेड से। और ये हम लोग मिड में लेने वाले हैं यहाँ पे पूरा नाम, उसके बाद एक दो डिज़ाइन में भी जो सही लगेगा वो भी करवाएंगे भाई इसमें। तो भाइयों, हमारा अब नाम छप रहा है जो हमारे व्हील कैप्स हैं, और लेट्स सी हाउ वाज द रिजल्ट्स। मेरे को लग रहा है मस्त ही लगेगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा भाई, और रात भी होने वाली है कॉज हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं शाम के टाइम।
दिन में आया नहीं था मैं, कॉल धूप भी थी और कहीं जाना भी था भाई, तो शाम के टाइम हम लोग करवा रहे हैं। ये व्लॉग दो पार्ट में भी आ सकता है भाई, कॉज अगर रात हुई ज़्यादा तो उस वजह से, बट देखते हैं क्या होता है। सो गाइज ये हमारा फाइनल लुक आया है भाई, जो कि ये बहुत ही मस्त लग रहा है, मेरे को तो बहुत सही लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा है ये। तो दोनों तरफ हम लोग ये लेने वाले हैं भाई, व्हील कवर्स, ये मतलब दोनों तरफ ये हम लोग डिज़ाइन लेने वाले हैं जो हमने ये दिया है। प्रॉपर रेड से इसलिए दिया है कॉज ये कैची हो जाए थोड़ा। तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा है भाई ये, और दूसरी व्हील में भी कराते हैं भाई, और जल्दी जल्दी कराते हैं कॉज रात हो रही है और थोड़ा सा दिखना थोड़ा बहुत लाइट का इशू हो जाएगा, बट लाइट है, हाँ लाइट है, लाइट का जुगाड़ भी है भाई अपने पास, सब चीज़ है। तो नेक्स्ट वाली साइड भी करवा के वाले में थोड़ा सा डिज़ाइन देखते हैं, और साइड में भी थोड़ा डिज़ाइन देखते हैं, फिर इसके टायर वगैरह में भाई जल्दी से व्हील कवर व्हील कैप्स लगवाते हैं और आपका वाइजर लगवाते हैं। तो भाइयों हमारा ये निकल चुका है भाई, जो पीछे का इसका कवर था ये, और ये हमारा टायर है, अब टायर भी निकलने वाला है, स्क्रू वगैरह इसके खुल चुके हैं, प्लस आगे का जो टायर है वो जो एडजस्टेबल है उसका जो भाई व्हील कवर है वो लग जाएगा वैसे ही, और जो हमारा ये पीछे का टायर है, पीछे का टायर पूरा उतरेगा, पूरा उतरने के बाद भाई ये फिर लगेगा उसके बाद, कॉज ये पीछे का जो टायर है उतरने के बाद पूरा व्हील कवर इसमें जो कवर होगा यहाँ तक कवर होगा वो, और आगे का जो ये डिस्क है भाई डिस्क तक कवर होगा, उससे ज़्यादा कवर नहीं होगा। तो ये निकाल के सीधा टायर हम लोग उस वाली शॉप पर ले जा रहे हैं, फिर वहीं पर भाई हम लोग ये पूरी चीज़ें करें, और कुछ ऐसा जगह बन चुकी है भाई पीछे से, और ये जो टायर है ये पूरा निकल चुका है, एंड अब ये टायर भाई वहाँ जाने वाला है, क्योंकि उस टायर में हम लोग पूरा लिखने वाले हैं जो हमने टेपिंग करवाई है वहाँ पे, बाकी अपनी एम चेक कर सकते हो भाई आप यहाँ पे। अपना भाई पीछे वाला टायर आ चुका है अपनी एम का भाई, और इसमें लगने वाले हैं भाई अपने व्हील कैप्स जो कि हमने बना दिए हैं, उसमें लास्ट डिज़ाइन, हाथ देख लो उसमें लास्ट डिज़ाइन लग रहा है, और ये प्रॉपर तैयार हो चुके हैं, और ये लगेंगे अपने टायर में भाई। तो पिछला टायर हम लोगों ने खोलना था, बताया मैंने आप लोगों को, कॉज पिछले टायर में भाई प्रॉपर हमें जगह चाहिए लगाने के लिए, एंड स्पेस तो चाहिए चाहिए, प्लस हम लोगों को भाई चीज़ें भी चाहिए देखने के लिए कि प्रॉपर बैठा है नहीं बैठा है, वैसे लगे हुए में नहीं लगता वो, आगे वाला टायर एडजस्टेबल है, और ये जो व्हील्स कैप्स हैं ये थोड़े एडजस्टेबल हैं, ये हिलते डुलते भी हैं, फ्लेक्सीबल है मतलब, और जो ये वाले हैं ये थोड़े स्टेबल हैं और हार्ड हैं, तो उस वजह से हम लोगों ने भाई ये करवाया है। बाकी ये करवाते हैं, लगवाते हैं, फिर वाइजर लगवाते हैं, और फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस अपना टायर आ चुका है, और अब हम लगा रहे हैं भाई इसका कैप ये, और जो ये गैप है ये इसका, इसके लिए रहता है हवा वगैरह के लिए, प्लस दोनों तरफ से ये लगेंगे भाई, एंड लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगा प्रॉपर लगने के बाद, कॉज अभी सामने हमने जो टायर देना है ये लगा के, फिर टायर लग के उसके बाद वाइजर का, और पूरा मैं आउटलुक दिखाऊंगा भाई आपको एंड में, और इसको लगवाते हैं और फिर दिखाता हूँ भाई साथ साथ में कैसे लग रहा है और कैसे कैसे ये कनेक्ट हो रहा है। तो गाइज़ हमने भाई अपना व्हील कवर लगवा दिए हैं, और ये चेक कर सकते हो भाई कैसा लग रहा है ये, दोनों तरफ से दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो टायर है भाई कुछ ऐसा लुक दे रहा है एंड में, और प्लस अब हम लोग इसको लगाने के लिए दे रहे हैं, फिर उसके बाद बाइक याली शॉप पे वापस आएगी, उसके बाद आगे का वाइजर लगाते हैं, और फिर आगे के भी हम लोग व्हील कैप्स लगाते हैं। सो गाइज़ ये जो आप आउटलुक देख रहे हो, और ये स्टिकर्स वाला जो हमने रेडियम से ये बनाया है, स्टाइल फ्रंट वाले व्हील कवर्स हैं जो, उनके लिए बनाया है, और उनमें लगेंगे ये, देखते हैं कैसा लगेगा, कॉस्ट का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, आगे आपका सिल्वर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो लेट्स सी हाउ वाज द लुक, और एंड में दिखाता हूँ आपको कि कैसा लुक आता है भाई प्रॉपर। अभी चल ही रहा है, हम लोगों को टाइम हो गया है, मॉडिफिकेशन में टाइम तो लगता ही लगता है भाई, और हम लोग शाम को आए थे, रात को आए थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, प्लस कर रहे हैं। इसके बाद हमारा वाइजर रह रहा है, एक ये वाइजर है आपका यहाँ पे, ये वाइजर लगाने के लिए रह रहा है। उसके बाद हम लोग भाई और भी चीज़ें सोच रहे थे, पर हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो जितना हो सके उतना मैं दिखाता हूँ भाई आपको। तो भाइयों हम लोगों ने फ्रंट वाले व्हील कैप्स में भी कहीं कर दिया ये डिज़ाइन, और सिंपल रखना हमने, मतलब ज़्यादा कुछ अलग सा नहीं किया है, और ज़्यादा भरा नहीं है इसको, तो अच्छा लग रहा है, और देख लो मतलब थोड़ा सिंपल है, एंड लुक भी बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमारा पिछला टायर लग रहा है, उसके बाद अब हम लोग ये इंस्टॉल करते हैं, पिछला टायर इंस्टॉल हो चुका है, अब बाइक में वाइजर एंड ये इंस्टॉल करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई कैसा लग रहा है ये आपको। तो गाइज अपनी बाइक आ चुकी है, और इसका वाइजर निकाल दिया है भाई, शीशे भी निकाल दिए हैं इसके, कॉज ये जो वाइजर है हमारा प्रॉपर शीशे है, नंबर प्लेट आपका वहां है, और वाइजर आ गया है भाई, और व्हील कैप्स भी आ गए आगे वाले। बाकी जो ये लुक आ रहा है भाई,
कैंट लुक आ रहा है जो ये चमक रहा है भाई द सागर वर्मा, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। तो गाइस अब हमारा वाइजर लग चुका है और अब आपके फ्रंट व्हील के कवर्स डल रहे हैं भाई, जो कि पहले वाले वो थोड़े बड़े आ गए थे, पीछे वाले तो प्रॉपर फिट आ चुके हैं, जो पहले वाले थे वो थोड़े बड़े आ गए थे तो फिट नहीं हो रहे थे वो उसमें, और हम लोगों ने ये छोटे वाले लगाए हैं अब। बाकी लुक तो सेम ही दे रहे हैं ये, और जो ये रेडियम है ये नाइट में कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है, मतलब कि शाइन अच्छी दे रहा है, और पीछे का रेडियम भी कुछ सही दे रहा है, यहाँ पर भी हम लोगों ने रेडियम से ही करवाया है ये। मे बी हम लोग ये चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर, ये जो लिखा हुआ है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टायर, मतलब जैसे टायर में कॉम्बिनेशन है वैसे भी कर सकते हैं भाई। बाकी पूरा फाइनल लुक मैं आपको देता हूँ प्रॉपर ये सब होके, उसके बाद सिनेमैटिक्स कवर करेंगे हम इसके बाद। तो गाइस अपना काम हो चुका है भाई कंप्लीट, और आप लोग ये लुक चेक कर सकते हो भाई अपनी R15M का। एंड भाई मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या कराया हमने इसमें, हमने कराया है भाई इसमें आपके ये सामने के व्हील्स कवर, और भाई पीछे भी व्हील्स कवर डलाए हैं, इसमें थोड़ा पैटर्न भी डाला है हमने, जो कि पूरा लुक है अपने नाम का भाई, ब्रांडिंग का, जो अपना चैनल का लुक है। दोनों तरफ से मैंने दिखाया आपको ब्लैक जेड ब्लैक वाइजर डलवाया हम लोगों ने इसमें, ये मतलब कि प्रॉपर वैसा वाला नहीं था जैसा मेरे को चाहिए था, बट फिर भी मतलब उठा हुआ तो काफ़ी है ये, वैसे भी जो बबल वाइजर होता है वो पूरा उठा हुआ नहीं है, मतलब इतना उठा हुआ नहीं है पर है काफ़ी है, तो लुक काफ़ी सही दे रहा है भाई ये। बाकी रही बात भाई इसकी जो साइड लुक आ रहा है इसका, जो साइड फ्रेम है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब कि जो साइड फ्रेम आ रहा है भाई ये, तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसा भाई साइड फ्रेम आ रहा है इसका। तो धीरे धीरे करके हम इसकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, और भाई ये करा दिया है, इसके बाद हम लोगों को इसमें थोड़ी बहुत और करानी है मॉडिफिकेशन, जो कि अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे जैसे इसका सामान वगैरह आएगा वैसे वैसे करके हम लोग इसमें भाई धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करेंगे। रही बात इसके मिरर्स की, मिरर्स भी हम लोग चेंज करने वाले हैं इसके थोड़े टाइम बाद, मिरर्स चेंज करेंगे और टेल टायरी लगवानी हमने पीछे, तो कमेंट बॉक्स में बताना हम लोग पहले क्या करवा सकते हैं भाई। सो गाइस हमने अपना काम करवा लिया कंप्लीट और आप लोगों को दे दिया मैंने रिव्यू वगैरह दे दिया है, सिनेमैटिक्स में डाल दूंगा भाई। तो यही था भाई आज का व्लॉग, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहे थे कि मॉडिफिकेशन लाओ, तो हमने ये करवा दी है भाई, बाकी इतनी चीज़ें करवा दी है, उसके बाद धीरे धीरे करके हम चीज़ें करेंगे इसमें, जैसे जैसे हम लोग मतलब आइडियाज जनरेट होंगे, जैसे जैसे आइडिया जनरेट होंगे वैसे वैसे काम भी करेंगे इसमें हम लोग। तो यही था भाई आज का व्लॉग, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों शेयर करें मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस एंड लव।